मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर बंगला पॉलिटिक्स तेज हो गई है। भोपाल में पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्रियों को बिना दूसरा बंगला आवंटित किए बंगले खाली करने का नोटिस देना ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बंगले से मोह नहीं है, लेकिन सरकार पात्रता के आधार पर बंगला आवंटित किया जाए। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी पूर्व मंत्री से बंगला खाली करने को नहीं कहा गया। ये जो बंगले मिले हैं विधायक की हैसियत में मिले हैं, मंत्री तो बाद में बने हैं, तो जब विधायक हैं तो विधायक को आपको घर तो देना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि साहब इसको खाली करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, अगर इसलिए आपको ऐतराज है कि चूंकि हम कांग्रेस से हैं सरकार से नहीं है और आपको खाली कराना है, तो हमने लिख के भी दे दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हम खाली करने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें दूसरी जगह तो आवंटित करिए, आप हमें दूसरी जगह बता दोगे हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो स्वाभाविक रूप से हम अपना सामान वहां रख लें। लेकिन अगर आपको खाली ही कराना है कि हम कांग्रेस से हैं, तो आप हमें दूसरा दे दीजिए। तो कांग्रेस चाहती तो इनके भी खाली करा सकती थी, और ये बदले की भावना से इसको कभी नहीं लिया जाना चाहिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। बकाया बंगले का कोई लालच नहीं है, जब कहेंगे खाली कर देंगे।